गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 एक्सपेंशन फार्मूला। इन दिस चैप्टर वी लर्न फर्स्ट टॉपिक ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। आज के ऑनलाइन वीडियो में या आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। मतलब a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर हम कैसे सॉल्व कर सकते और a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब ये जो है इसके बारे में अब हम इसके साथ इस पे डिपेंडेंट हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या किया गया है, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का आपको एक्सपांड दिया गया है, मतलब एक्सपेंशन किया गया है। वो a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का मीनिंग है इसका, इसके साथ क्या आता है, ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब ये कैसे हुआ या कैसे आया, देखिए ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, मतलब क्या है इसका, ए प्लस बी की एडिशन 3 बार करेंगे, यानी कि ए प्लस बी और ए प्लस बी। अब आपको पता है कि a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर मतलब दोनों की एडिशन, a प्लस बी दोनों की एडिशन क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन है। अब देखिए दोनों में से, दोनों ब्रैकेट में से हम क्या करेंगे, ए को कॉमन निकालेंगे, जैसे कि क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बी से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक ए से इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ए से उसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है और बी से फिर से उसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि अब क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ए क्यूब, ए मल्टीप्लाई ट्वाइस ए बी, इसका मतलब होता है ट्वाइस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, उसके बाद बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यूब। तो क्या होगा, ए क्यूब, जैसे एक जैसे जो टर्म है वो हम क्या करेंगे, उसकी एडिशन करेंगे, देखिए ए क्यूब प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर बी, मतलब क्या है, बी ए स्क्वायर, दोनों की एडिशन क्या होगी, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी स्क्वायर थ्री ए बी स्क्वायर और बी क्यूब, वैसे के वैसे रहेगा। मतलब ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन क्या हुआ, ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इस पे डिपेंडेंट हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट क्यूब, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ए मतलब एक और बी मतलब थ्री, वही एक्सपेंशन यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखिए नेक्स्ट पेज पे एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब प्लस थ्री मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बी मतलब थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई ए मतलब एक्स मल्टीप्लाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब थ्री स्क्वायर एंड प्लस थ्री क्यूब यानी कि बी क्यूब। तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस थ्री थ्री जार नाइन नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री थ्री जार नाइन थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन एक्स एंड प्लस थ्री क्यूब इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन। मतलब एक्सपेंशन क्या हुआ, एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए थ्री एक्स प्लस फोर वाई क्यूब, उसी तरीके से ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, ए मतलब थ्री एक्स बी मतलब फोर वाई, थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री मल्टीप्लाई थ्री एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई फोर वाई प्लस थ्री मल्टीप्लाई थ्री एक्स फोर वाई स्क्वायर एंड प्लस फोर वाई क्यूब। थ्री एक्स क्यूब होता है ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब
थ्री मल्टीप्लाई थ्री एक्स स्क्वेयर नाइन एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई फोर वाई प्लस थ्री थ्री जार नाइन नाइन एक्स मल्टीप्लाई सिक्सटीन वाई स्क्वेयर यानी कि फोर वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर होता है सिक्सटीन वाई स्क्वेयर और प्लस फोर वाई क्यूब इज इक्वल टू सिक्सटी फोर वाई क्यूब 27x cube plus 108x square y plus 144xy square plus 64y cube. देखिए उसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जांपल है 2m upon n plus n upon twice m bracket cube. उसी तरीके से twice m upon n bracket cube plus 3 multiply twice m upon n bracket square n upon twice m plus 3 multiply twice m upon n, n square upon twice m and n upon twice m is equal to bracket cube. 8m cube upon n cube plus 3 multiply 4m square upon n square, n upon twice m plus 3 multiply twice m upon n. Also n square upon 4m square मतलब 2m का square होता है 4m square. n का क्यूब है n क्यूब और 2m का क्यूब है 8m क्यूब यानी कि आंसर क्या हुआ 8m क्यूब अपॉन n क्यूब प्लस 6m अपॉन n प्लस 3n अपॉन 2m प्लस n क्यूब अपॉन 8m क्यूब सेकंड एग्जांपल देखिए लास्ट एग्जांपल 41 क्यूब इज इक्वल टू 40 प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 40 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 40 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब यानी कि 40 का क्यूब है 64,000 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 4,800 प्लस 43,120 और 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है सबकी एडिशन करेंगे 64,000 प्लस 4,800 प्लस 120 प्लस 1 इज इक्वल टू 68,921 देखिए ये जो मैंने फोर एग्जांपल कभी आपको एक्सप्लेन करके बताया है वो आपको क्या करना है आपके नोटबुक में सबसे पहले a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन लिखना है उसके बाद ये चारों एग्जांपल आपको आपके नोटबुक में सॉल्व करने हैं उस पे डिपेंडेंट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.2 दिया गया है वो भी आपको क्या करना है सॉल्व करना है ओके अगले ऑनलाइन वीडियो में हम a-b ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन देखेंगे ओके?